अंटार्कटिका दुनिया का पांचवा बड़ा कॉन्टिनेंट। 140 लाख स्क्वायर किलोमीटर वाले अंटार्कटिका का 98% हिस्सा लगभग 1.6 किलोमीटर की मोटी बर्फ से घिरा हुआ है। साउथ पोल के अंटार्कटिका को लेकर एक गुड न्यूज है। नासा की ताजा रिपोर्ट पर नजर डालें तो ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से यहां राहत की खबर है। अब तक होती रही रिसर्च बता रही थी कि ग्लोबल वार्मिंग से अंटार्कटिका के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मेल्टिंग दुनिया भर के लिए चिंता बनी हुई थी, लेकिन अब नई रिपोर्ट बता रही है कि बर्फ पिघलना थम गई है और ग्लेशियर भारी हो रहे हैं। इंटरगवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंजेस की रिपोर्ट के उलट सैटेलाइट के ताजा डेटा बता रहे हैं कि 1992 से 2001 तक अंटार्कटिका में 112 मिलियन टन बर्फ बढ़ी थी। 2003 से 2008 के बीच 82 मिलियन टन बर्फ और बढ़ गई है। नासा अब 2018 में एक नया सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी में है जो डिटेल आंकड़े हम तक पहुंचाएगा। हालांकि बढ़ती बर्फ ने कुछ वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। खतरा ये है कि ग्लेशियरों के ज्यादा भारी होने से कहीं समुद्र का लेवल न बढ़ जाए। ऐसा होने पर कई कॉन्टिनेंट इसकी रेंज में आ सकते हैं। खैर, अभी तो बात सैटेलाइट के ताजा डेटा की। साइंटिस्ट अब अल्टीमीटर सैटेलाइट के जरिए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अंटार्कटिका में बर्फ की चादर कितनी बढ़ गई है। दैनिक भास्कर.com की रिपोर्ट।